हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ES स्टॉक मार्केट इन्फो यूट्यूब चैनल के फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस वीडियो के पार्ट वन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम देखने वाले हैं कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक के बारे में यहाँ पर डिटेल आपको जानकारी मिलेगी। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, तो छोटी सी वीडियो है, तो पूरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैंडलस्टिक के बारे में कि कैंडलस्टिक क्या होती है। ठीक है, कैंडलस्टिक किस तरह से काम करती है, इसका हमें डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। बस हमें समझना है कि ये कैंडल किस तरह से बनती है, किस तरह से इसको प्रैक्टिकल में हम यूज में लाएंगे। ठीक है, वो भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडलस्टिक के बारे में जानते हैं कि ये कैंडलस्टिक होती क्या है। ठीक है, तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली ये प्राइस का मूवमेंट बताता है किसी एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान। ठीक है, तो इसमें सपोज आपको एक मिनट का टाइम देखना है, तो एक मिनट में तो क्या हुआ कि ये कैंडल यहाँ पे जो आप रेड देख रहे हैं, इसका ओपन इधर होगा। ठीक है, इसको मैं लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिनट में क्या हुआ, इधर कहीं ओपन हुआ और यहाँ पे ये क्लोज हुआ, और उसी एक मिनट टाइम में इसने हाई भी लगाया था इधर, और इधर यहाँ पे लो लगाया था, जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओपन हुआ इस जगह में और नीचे ये क्लोजिंग दिया। ठीक है, यानी ये मार्केट यहाँ से सपोज 20 रुपया पे ओपन हुआ और यहाँ पे 15 पे क्लोज हुआ, तो क्या होगा कि ये नीचे आ गया, इसीलिए इसको हम बेरिश कैंडल कहेंगे। और इसका लो भी लगाया था, सपोज यहाँ पे 12 का लो लगाया और हाई यहाँ पे 25 का लगाया। ठीक है, यदि ये एक मिनट का टाइम फ्रेम का हम कैंडल इसको देखेंगे चार्ट पे, तो ओपन इस जगह पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा, और उसी एक मिनट में इसने लो भी लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हाई भी लगाया, तो इसको हम अपर शेडो या विक कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला लोअर शेडो हो गया, यानी इसने लो लगाया था और यहाँ पे ओपन हुआ था। ठीक है, ये ओपन हो गया और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। ठीक है, यानी ये ओपन हुआ था ऊपर में और क्लोज हुआ नीचे, तो इसको बेरिश कैंडल कहेंगे। और उसी का जस्ट अपोजिट होगा यदि ओपन यहाँ पे होता है नीचे में और क्लोज ऊपर देता है, ठीक है, तो इसको बुलिश कैंडल कहेंगे। ठीक है, तो उसी एक मिनट टाइम ड्यूरेशन में यदि ये हाई इस जगह पे लगाया तो इसका विक दिखेगा, यदि इसने कोई हाई नहीं लगाया होगा तो ये ऊपर में आपको विक यानी शेडो नहीं दिखेगा। ठीक है, और उसी एक मिनट के टाइम के ड्यूरेशन में ये यदि यहाँ पे लो लगाया होगा तो इसके नीचे में विक दिखेगा, अदरवाइज ये विक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम बॉडी कहेंगे। ये वाला जो आप डार्क आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला बॉडी है और ये वाला विक कहेंगे। ठीक है, इसको भी विक कहेंगे या शेडो कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखाया गया है। यदि ये 5 मिनट का कैंडल होगा, यानी 5 मिनट के ड्यूरेशन में इसने ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे इसने लो कितना लगाया, इतना। ठीक है, हाई कितना लगाया, इतना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इसे दिखाया जाएगा। तो चलिए मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइव चार्ट है। तो इसमें आपको बता दूं, यदि एक मिनट का यदि हमें कैंडल दिखना है कि एक मिनट में प्राइस का क्या मूवमेंट हो रहा है, उसको जानने के लिए हमें चार्ट पे यहाँ पे एक मिनट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इधर टॉप में। ठीक है, तो इससे हमें एक मिनट में क्या कैंडल बन रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा। और उसके बाद यदि आपको 3 मिनट देखना है तो 3 मिनट पे क्लिक कर दीजिए, 5 मिनट का कैंडल देखना है तो 5 मिनट पे क्लिक कर दीजिए, 15 मिनट देखना है तो 15 मिनट पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से 30 मिनट का भी कैंडल होगा, यानी 30 मिनट में प्राइस का क्या मूवमेंट हुआ वो हम समझेंगे। 1 घंटा में होगा तो 1 घंटा का समझेंगे। ठीक है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे, वीकली और मंथली। ठीक है, तो इस तरह से आप कैंडल को देख सकते हैं। यदि मंथली कैंडल को देखेंगे तो इससे ये समझ में आएगा कि एक मंथ में, ठीक है, कि कितना प्राइस का मूवमेंट हुआ वो यहाँ पे हमें चार्ट पे दिखेगा। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे लोग कैंडल का यूज करते हैं, कैंडल को देखते हैं चार्ट पे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव 1 मिनट का कैंडल बनते हुए दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे 1 मिनट में ये कैंडल क्या क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 48 सेकेंड इधर दिखाया जा रहा है इस साइड में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये टाइम इसका दिखाएगा आपको। देख सकते हैं यहाँ से इसने ओपन इधर हुआ था, अभी यहाँ पे देखिए हाई यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए और ऊपर जा रहा है अभी। ठीक है, और नीचे इसका यहाँ पे लो ये वाला था। ठीक है, यहाँ पे जो कि यहाँ पे इसका विक बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी यही कैंडल अभी नीचे अभी जा रही है। 1 मिनट में ये जब क्लोज हो जाएगी तब आप देखेंगे कि क्या फॉर्मेशन हुआ कैंडल का, बुलिश या बेरिश।
तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया, ये कैंडल यहाँ से नीचे से ओपन हुआ था और यहाँ पे ये क्लोज दे दिया और इसका हाई ये वाला विक के ऊपर में हुआ और यहाँ पे लो यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। तो ये एक मिनट के ड्यूरेशन का ये कैंडल हुआ, ठीक है। तो ये बुलिश कैंडल अभी बना है, लेकिन हम कैंडल स्टिक के टाइप पढ़ेंगे कि कैंडल स्टिक का क्या यूज है, क्योंकि कैंडल स्टिक से आप ये पता कर सकते हैं कि मार्केट किधर रिवर्स होने वाला है, कि ऊपर जाने वाली है मार्केट या नीचे जाने वाली है, वो चीज़ आप यहाँ पे जान पाएंगे कैंडल स्टिक के स्टडी करने से। तो इस तरह से यहाँ पे आप कैंडल्स के बारे में देखें, और उसी तरह से यदि ये रेड कैंडल को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ होगा और इधर कहीं इसका क्लोजिंग और यहाँ पे इसका लो और इस जगह का कोई हाई, ठीक है। तो ये कैंडल जो बना तो ये बेरिश कैंडल हुआ, ठीक है। तो एक मिनट का टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हुआ। यदि पाँच मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो पाँच मिनट यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद ये आप पाँच मिनट का अकॉर्डिंग ये क्या मूवमेंट हो रहा है तो वो चीज़ आप देख पाएंगे। यदि आप इस कैंडल में देखें तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, इधर कहीं हाई लगाया और नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो ये एक्चुअली देख सकते हैं प्राइस बायर यहाँ पे क्या हुआ था, इधर से बाई करते हुए यहाँ तक लेके गया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, नीचे आकर के क्लोजिंग दे दिया, यानी सेलर्स इस पे हावी हो गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है। अभी नेक्स्ट कैंडल में यहीं से मार्केट यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफ़ी हो गया था, और यहाँ से मार्केट अभी देखिए इस जगह तक हाई लगाया है और ये बेरिश कैंडल यहाँ पे हो रहा है, यानी सेलर्स इसमें ज़्यादा हैं और ये सेलिंग कैंडल देख सकते हैं। एक मिनट का यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है, तो यानी ये रेड कैंडल बन गया क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अलग अलग कैंडल स्टिक टाइप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं किसी में वीक होता ही नहीं है, किसी में ऊपर से वीक होता है, तो ये कैंडल को क्या कहते हैं। वैसे ये इन्वर्टेड हैमर इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, इवनिंग स्टार। तो यहाँ से देखिए मार्केट इधर से कहीं आकर के ये कैंडल बनने के बाद इसको जैसे ही लो को क्रॉस करता है तो मार्केट नीचे जा सकती है, यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कैंडल के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगा कि यहीं से मार्केट क्यों नीचे जा रही है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।